इस वीडियो में हम कुड हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। कुड हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई सेंटेंस सकता था, सकती थी या सकते थे के साथ ख़त्म होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके साथ में हम कुड हैव का प्रयोग ही करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम उससे बात कर सकते थे, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे, तुम मेरी बात मान सकते थे, वह यह चैप्टर तैयार कर सकता था, दीपिका मुझसे मिल सकती थी, वह यह सब बात समझ सकती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में सकते थे आता है या सकता था आता है या सकती थी आती है। हमको एक कंडीशन और यहाँ पर देखने को मिलती है, काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो इस कंडीशन में हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम वाक की संरचना देखेंगे कि वाक की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक की संरचना होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सबसे जो विशेष चीज़ है वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तुम उससे बात कर सकते थे, तो सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट यू और उसके बाद में कुड हैव, उसके बाद में टॉक्ड, यू कुड हैव टॉक्ड टू हिम। नेक्स्ट है, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे, वी कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, तुम मेरी बात मान सकते थे, यू कुड हैव ओबेड मी, वह यह चैप्टर तैयार कर सकता था, ही कुड हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर, दीपिका मुझसे मिल सकती थी, दीपिका कुड हैव मेट मी, वह यह सब बात समझ सकती थी, शी कुड हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में भी वाक्य की संरचना कुछ ऐसी होगी, सब्जेक्ट प्लस कुड, कुड के बाद में यहाँ हमने लगाया है नॉट प्लस हैव। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी है, कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है, बाकी सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम उससे बात नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट हैव टॉक टू हिम, हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते थे, वी कुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, तुम उसकी बात नहीं मान सकते थे, यू कुड नॉट हैव ओबेड हिम, वह यह चैप्टर नहीं तैयार कर सकता था, ही कुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर, दीपिका मुझसे नहीं मिल सकती थी, दीपिका कुड नॉट हैव मेट मी, वह यह सब बात नहीं समझ सकती थी, शी कुड नॉट हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो अब हमने यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कुड, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम उससे बात कर सकते थे, कुड यू हैव टॉक टू हिम, क्या हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे, Could we have prepared for exam? क्या तुम मेरी बात मान सकते थे, Could you have obeyed me? क्या वह यह चैप्टर तैयार कर सकता था, Could he have prepared this chapter? क्या दीपिका मुझसे मिल सकती थी, Could Deepika have met me? क्या वह यह सब बात समझ सकती थी, Could she have understood all this? तो हमने यहाँ पर पढ़े अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।